अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और सपोर्ट से। तो आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है, मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल इसके बारे में पूछा जा रहा था कि वाई यू ग्रेड एंड वाई अदर स्कॉलरशिप्स, तो हम इस पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खैर स्टार्ट करते हैं। ओके क्या चीज़ें थी? हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि वाई यू ग्रेड एंड वाई अदर स्कॉलरशिप। तो अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करूँ, मुझसे ये सवाल वैसे बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा होता है कि अगर हमारा साल ज़ाया हो रहा है, ये एक सेमेस्टर ज़ाया हो रहा है, सेमेस्टर आगे हो रहा है, तो यू ग्रेड की इंपॉर्टेंस क्या है? वैसे पूछना नहीं चाहिए, बिकॉज़ इट्स लाइक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, लाइफ टाइम की एक अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें आप जाते हैं यूएस बिना किसी पैसे के, कुछ भी नहीं लगता आपका, एक रुपया तक नहीं लगता, जबकि आपको बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं। पैसे मैं नहीं बता सकता, अक्सर लोग सवाल पूछते हैं, तो ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है जो कि हम नहीं बताते, कोई कोई बता देता है, दोस्ती यारी में बता देते हैं। खैर, तो यू ग्रेड जो है एक सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम है जो कि आप फुली फंडेड होता है, यूएस में जो है आप एक सेमेस्टर पूरा घूमते हैं, कल्चरल एक्सचेंज करते हैं, क्लासेस लेते हैं, वहाँ के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स देखते हैं, वहाँ के लोगों का बिहेवियर देखते हैं, वहाँ के लोगों का रहन सहन देखते हैं। तो एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है उस टाइम में जो आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ है, जहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो उसी में अगर आप यू ग्रेड जाते हैं तो इट्स लाइक यार अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि 30,000 40,000 एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें 100 और 150 लोग जो हैं सेलेक्ट होते हैं, तो एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी होती है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन के बाद आप जो हैं गुजरते हैं और फिर वहाँ जाते हैं और एज एन लाइक डेलीगेट आप जा रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें यू ग्रेड की। अब दूसरी स्कॉलरशिप्स की बात करें तो बहुत सारी ऐसी स्कॉलरशिप है जो कि आप जो है डिफरेंट पेजेस पे सर्च कर सकते हैं, मास्टर्स की स्कॉलरशिप है, अंडर ग्रेड स्कॉलरशिप्स हैं, तो स्कॉलरशिप कॉर्नर है और स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कॉर्नर है। ये तीन चार पेजेस ऐसे हैं जो कि जिसको आप फॉलो करें, ग्रुप को फॉलो करें, तो आपको जो है बहुत सारी स्कॉलरशिप मिलेगी और बहुत सारे ऐसे अपकमिंग स्कॉलरशिप जो हैं आप और अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आप अवेल कर सकते हैं। तो ये सिंपल कुछ बातें थी और अपडेट ये था कि मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा आप सबके लिए, अपने लिए, ख़ुद भी इंजॉय कर सकूं, क्योंकि मोस्टली मैं अपनी वीडियोस खुद इंजॉय करता हूं तो दूसरे इंजॉय कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। यू ग्रेड जो है अब बस कमिंग जो है आने वाला है, बहुत सारे लोग सवाल पूछे थे कि सेप्टेम्बर अक्टूबर इसकी डेट होती है, तो क्योंकि कोविड की वजह से कुछ चीज़ें डिले हो गई हैं, हो सकता है एंड ऑफ सेप्टेम्बर या स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर जो है वो जल्दी डेट्स अनाउंस करें और एप्लीकेशन में जो है आप जो हैं फिर फिल कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड और पॉजिटिव रहें, बहुत सारी कम्युनिटी एक्टिविटीज़ करें, डू सेमिनार्स अटेंड करें और ऑनलाइन सेशंस अटेंड करें, आपको फ़ायदा होगा, आपकी लीडरशिप स्किल्स जो है बिल्ड होगी और आपकी एसओपीज़ और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एसओपी सिर्फ यूग्रेड के लिए काम नहीं आती, और बहुत सारे सेमिनार्स आप बात करें डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के लिए, डिफरेंट एडमिशन्स के लिए, तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये हर यूनिवर्सिटी आपसे सवाल पूछता है एडमिशन, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन देने से पहले। तो ये थी सारी चीज़ें कि आप जो हैं कनेक्टेड रहें और पॉजिटिव रहें, और बस दुआ करें कि कोविड का जो है ये वबा जल्दी टल जाए, ताकि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो डिले ना हो और कम ना हो। तो ये थी सारी चीज़ें, और मैं जो है इंशाल्लाह बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी से फ्री हो गया हूँ, उसकी भी एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा। बट थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, और बस ये थी बातें। खुश रहें, आबाद रहें, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे हम किसी और दिन किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।